अरे दोस्तों नमस्कार। मेरे पास ये सेट आया था नोकिया। आपको मैं मॉडल क्लियर कर दे रहा हूँ पहले बोलते हुए, नोकिया TA-1010। इसमें सर दोस्तों चार्जिंग प्रॉब्लम था। इसमें चार्ज पे लगाने के बाद ये नोकिया लिख के ऐसे ही रुका रहता था, आगे नहीं बढ़ता था। हैंग लोगो था, वो हैंग प्रॉब्लम हो जाता था। दोस्तों इसका मैंने सॉल्यूशन दो, मेरे पास इसका सॉल्यूशन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। उससे पहली बार तो आप एक बार उसकी बैटरी चेंज करिए, दो तीन बैटरी चेंज करके देखिए, शायद सही हो जाए। अगर नहीं होता है तो मैं आपको दो इसके आइडिया बताता हूँ कैसे इसको ठीक करना है। एक तो आप लोग बिल्कुल आसानी से देख पा रहे हैं, जम्पर मैं लगाया हूँ, जो दिखा रहा हूँ ये देखिए। एक जम्पर आपको यहाँ थोड़ा सा ब्लेड से स्क्रैच करके जम्पर लेना है, यहाँ से यहाँ लेना है, यहाँ से यहाँ लेना है। इससे हो जाएगा दोस्तों 100%। अगर इससे भी नहीं होता है तो मैं आपको एक और सॉल्यूशन बताता हूँ। ये बैटरी वाले के जो बीच कनेक्टर है, बीच वाला है, अब यहाँ से उस वाले छोटे कॉम्पोनेंट में दोस्तों मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, उस बीच वाले कनेक्टर से लेके आपको इस साइड में इधर, सॉरी दोस्तों, इस साइड आपको यहाँ जम्पर लगाना है, यहाँ पे, यहाँ से दोस्तों लेके यहाँ से आपको यहाँ पे जम्पर लगाना है। दोस्तों ये तीन ट्रिक से आपके मतलब 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे चार्जिंग प्रॉब्लम के। 99% बैटरी की प्रॉब्लम होती है, बैटरी आप चेंज करके देखिए दोस्तों, 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो ये आप दो ट्रिक कर लीजिए, 100% सॉल्व हो जाएगा। आपको थोड़ा सा आपको अब चार्ज में लगा के भी अपनी बैटरी दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों मेरे पास ये सॉरी दोस्तों, मैं एक ही हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, वो प्लस मोबाइल भी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों अभी ये उठा लेगा, देखिए दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं बिल्कुल आसानी से चार्ज हो रहा है। तो बस यही करना है दोस्तों, एक दो दो मैंने जम्पर दिखाया और तीसरा सोल्यूशन इसकी बैटरी के मैंने बताया, 100% इससे सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों, अगर और कोई दिक्कत हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। थैंक यू।